यस सर, तो एक तरीके से सिर्फ इसमें क्लास फिफ्थ वाले ही बच्चे रहेंगे, ठीक है, क्लास फिफ्थ वाले ही बच्चे रहेंगे। 3 दिन तक का रिहर्सल होगा जिसमें आप लोग यूज करते हुए ये जान जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे आती है। जब प्रॉब्लम आए तो आपको परेशान नहीं होना है, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? गूगल क्लासरूम में लिंक रहेगा, ठीक है, तो उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी इस सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। समझ में आया? शनिका आप भी मुझे सुन पा रही बेटा? अनिका सुन पा रही है बेटा? आई एम ऑडिबल? शायद सानिका नहीं सुन पा रही है फिलहाल। आप दोनों लोग देखें, सानिका बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगी, और जो बच्चे नहीं अभी तक लाइव सेशन पे आए हैं आज, बेटा यू आर सिटिंग इन द रूम, you are sitting in the room and there is a no proper network, that is why you are not getting voice properly, but Anupriya and Atul is there, they are getting proper voice. So beta aap log ko awaaz properly sunai pad raha hai? Yes sir. Ab Sanvika sirf aapko nahi sunai pad raha, to that means ki there is a network issue. Agar Atul ko dekho to Atul shayad chhat pe hai. आपको भी अपने घर में ऐसी जगह देखना पड़ेगा जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क हो, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं कहीं जीजी पे स्टेयर्स पे खड़े होकर के क्लास से बैठ के क्लास ले लेते हैं, या किसी बाहर जा करके उसे बालकोनी में नहीं रहता है वहाँ पे क्लास ले लेते हैं। अगर आप घर में बेडरूम में बैठ के वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं है वहाँ पे क्लास लेना चाहेंगे तो सब कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। So, as of now, without wasting the time, मैं आप लोगों को शो करता हूँ कैसे क्या क्या चीजें होनी है। तिवारी कमिंग ऑन द लाइन, चानिका चानिका को मैं फोन करके बता दूँ, 3 दिन तक यही सब होगा, यही चीजें बताई जाएगी। बेटा कुणाल कैसे हैं आप? ठीक है। अभी फोन आप ऐसे यूज करके ऐसे घुमा लो ऐसे जिससे फुल स्क्रीन में आने लगे। हाँ शान्विका आप सुनाई पड़ रहे हैं? मैं एक बार कॉल करके बताने का प्रयास करता हूँ, अदरवाइज ज्यादा समय दूसरे करें। हेलो हेलो बेटा, आपको अगर आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है प्रॉपर, देखिए होता क्या है, सही कई सारे बच्चे हैं, कभी स्टेयर्स पे फिर के 1 घंटे की क्लास होगी, स्टेयर्स पे अगर प्रॉपर नेटवर्क हो वहां पे चली जाइए, बालकोनी में। अब कमरे में आपको प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता तो क्या कर सकते? मेरी आवाज अतुल को प्रॉपर सुनाई पड़ रही है, अनुप्रिया को प्रॉपर सुनाई पड़ रही है, कुणाल तिवारी को प्रॉपर सुनाई पड़ रही है, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द वॉइस दैट मींस कि यू आर हैविंग द वीक नेटवर्क कवरेज। सो थोड़ी देर के लिए 3 दिन का इसीलिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, सो दैट यू कैन नो दैट वेर इज नेटवर्क कवरेज, वेर यू आर हैविंग अ गुड नेटवर्क कवरेज एट होम, और प्रॉब्लम अगर आए तो उसमें कैसे घर में कहीं सीढ़ी होगी छत पे जाने के लिए, वहाँ पे छाया है या अच्छा थोड़ा बहुत कहीं पे रुक सके तो वहाँ पे बेटा। किसके यहाँ से फिलहाल जो कुत्ते भौंक रहे हैं इस तरह की आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अतुल आपके यहाँ से या कुणाल आपके यहाँ से या अनुपी आपके यहाँ से? डरना नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताइए मैं बताता हूँ। इसी तरह क्लास में पढ़ाते समय भी तो हो सकता है, जब ऐसा हुआ करे तो आपके फोन पे देखे म्यूट ऑप्शन है, ऐसे स्क्रीन पे टच करे म्यूट या अनम्यूट ऑप्शन है, देखिए
अपने अपने फोन पे टच करिए, देखिएगा एकदम किनारे म्यूट या अनम्यूट ऑप्शन होगा, है या नहीं? यस सर। तो मान लीजिए आपके घर पे कोई शोर करने लगे, कभी कोई बात करने लगे आपके अगल बगल गांव में, आपके घर में कुछ खड़बड़ाने लगे, बर्तन की आवाज, तो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो बंद करना जानते हैं माइक? देखता हूँ गेट पे कोई आया है। यस सर। अनिल मौर्य आए हैं आपके क्लास के, थोड़ा सा आप लोग लाइन पे रहे, तब तक आपस में आप लोग बात करें, ठीक है? और तब तक मैं उनका उनके फोन में कुछ दिक्कत है तो बुला लिया था, तो सही कर दे रहा हूँ। आप लोग लाइन पे रहो तब तक, ठीक है? हाँ बेटा सानविका, आप जा रही है आवाज? आप सभी को आवाज जा रही है प्रॉपर नेटवर्क बेटा इस समय? यस सर। यस सर। अनिका आपको भी सुनाई पड़ रही है? अनिका के मार्केट में है फिर भी इनकी आवाज नहीं जा रही, बताइए। कहाँ पे प्ले स्टोर कहाँ पर है? मैंने भी मैसेज किया है, फिर पहुंचे हैं इस पे पहुंचे हैं किसके? मैं अभी मीटिंग आईडी बताऊंगा, मीटिंग आईडी इसमें है ना, पासवर्ड है, कल इंस्टॉल करके बता दूंगा। हाँ बेटा, तो फिलहाल हम बता रहे थे कि ग्रीन बोर्ड पे मैम दिखाते थे, बट मीनिंग यही तो होता था, और ग्रीन बोर्ड से आप लोग कुछ अपने कॉपी में लिख लेते थे। अभी यहाँ पे ग्रीन बोर्ड तो है नहीं, तो हम आपको पीडीएफ भेज दिया करेंगे, आपको पीडीएफ में भेज दिया करेंगे, तो देख देख करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि नहीं? यस कर लेंगे, नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आप वर्ड मीनिंग कराने के बाद क्या करती थी मैम? क्वेश्चन आंसर समझाती थी, पढ़ाती थी, क्वेश्चन आंसर कराती थी, या चैप्टर को या आपका पैराग्राफ को समझाती थी पढ़ पढ़ के किताब? रीड कराती थी, रीड करती थी, पैराग्राफ समझाती थी ना? देखिए आपको कैसे पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए आपका बुक है, मेरे पास बुक का पीडीएफ फाइल रहेगा, ठीक है? और जैसे यहाँ पे आपको एक बुक दिख रही होगी, सभी को कुछ कोई किताब दिखा गया नहीं? ये आपका चैप्टर नहीं है फिलहाल, आपकी क्लास का नहीं है, आपकी क्लास का आज फिलहाल सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगी, समय निकाल के मैं निकाल लूंगा, पीडीएफ बना लूंगा। इसी तरीके से तो आपकी भी तो किताब होगी, आपकी भी किताब होगी ऐसे ना? बस पढ़ाने के लिए मैं मैसेज से शुरू करते होंगे कि दिस इज द चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन इज ए साइंस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज द चैप्टर नंबर वन ऑफ द साइंस सब्जेक्ट। ये आपके बेटा एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, दिस इज नॉट फॉर योर सब, दिस इज नॉट फ्रॉम योर क्लास, एक्चुअली दिस इज द सेवंथ क्लास क्लासेस बुक। तो आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ कि हाउ वी वुड बी टीचिंग योर बुक्स लाइक दिस वे, ओके? यस सर। तो इसी तरीके से आपकी भी बुक्स होगी, आपके भी चैप्टर्स होंगे, पढ़ाया जाएगा कि दिस इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे क्या समझाया गया है इस चैप्टर में? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में पौधों का पोषण, पौधों में पोषण, पौधों को भोजन कैसे मिलता है, पोषण मतलब भोजन प्राप्त करना, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होता है फूड को ग्रहण करने की, जो विधि है फूड को खाने की, उपलब्ध करने की, यानी उसको अवशोषण करने की जो विधि है वही न्यूट्रिशन कहलाती है। इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
क्लास सिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि फूड है, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ऐसे आपके बुक में, क्लास फोर की बुक में आपने पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा उसको डिस्कशन ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश पढ़ करके उसका अनुवाद करके आप लोग को समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आज क्लास सिक्स या सेवेंथ की चीज आज पहला दिन है, एक दो दिन पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिए, कल मैं आपकी बुक पढ़ाऊंगा, ठीक है? कल का जो रिहर्सल वाला क्लास होगा उसमें आपकी बुक होगी। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। यू ऑल्सो लर्न, आपने यह भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, ये फूड के अंश हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन से मिलकर के ही फूड तैयार होता है, ठीक है? या तो हम कहें कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, तो दैट मीन्स कि हम फूड की बातें कर रहे हैं, जो हम ग्रहण करते हैं उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं फूड के रूप में। हमारे यहाँ पे जो खाना खाते हैं सब, तो वो कहीं ना कहीं उसमें या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या तो प्रोटीन होते हैं, या तो विटामिन होते हैं, या फैट्स होते हैं, या तो मिनरल्स होते हैं, ओके? दीज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस एंड नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। तो ये कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जो कंपोनेंट जो फूड के इस अंश को क्या कहते हैं, पोषक, न्यूट्रिशंस कहते हैं, पोषक कहते हैं हिंदी, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है, आवश्यक है। समझ में आया बेटा इसका पैराग्राफ? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बेटा एक चीज और है, किसी के यहाँ से भैंस बोलने की आवाज आ रही है ना, अगर ऐसा कुछ आया करे, देखिए ये रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे भी शेयर होगा, आप लोग के अलावा अदर स्कूल्स के भी बच्चे कोई भी देख सकता है हमेशा के लिए, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तब भी देखेंगे, यूट्यूब पे हमेशा के लिए अपलोड रहेगा। तो कोशिश करो जब क्लासरूम में प्रॉपर एक क्लासरूम का जो प्रॉपर एक एनवायरमेंट है, हेल्दी एनवायरमेंट, उसको बनाने की कोशिश करें। फिलहाल हम लोग गाँव में रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, लोगों को पता चलेगा कि हाँ गाँव से भी बच्चे हमारे इस जमाने में टाइप क्लासेस करते हैं, ये अच्छी चीज है। यहाँ तक बेटा पहला पैराग्राफ समझ में आ गया क्यों अनुप्रिया? कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस, पोषक कहते हैं, ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सभी जीवों, जितने भी सजीव, चाहे प्लांट्स, चाहे एनिमल्स, चाहे ह्यूमन बीइंग, जो भी जीव हैं, हर जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। क्या लिखा है? प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। का मतलब क्या हुआ? प्लांट्स कैन सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मीन्स क्या होता है? प्रिपेयर करना। सिंथेसाइज को अगर हम अदर वर्ड्स में बोले, सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर, मेक, या गेटिंग टूगेदर, इकट्ठा करना, बनाना, प्रिपेयर करना, उसी को ही सिंथेसाइज कहते हैं। क्यों कुणाल, मजा ले रहे हैं? बिल्कुल खुश हैं, आज लाइव क्लास कर रहे हैं, आपका ध्यान है बुक पे या नहीं, या किसी से बातचीत कर रहे हैं आप? यहाँ से बेटा आप लोग दूर भले हैं, लाइव क्लास की यही खासियत है कि मैं आप सभी को देखता रहता हूँ कि व्हाट यू आर डूइंग, वेदर यू आर हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑन द बुक्स और नॉट। तो आपको अपने बुक्स पे ध्यान देना है, कोई आपको डिस्टर्ब करे आपके घर में, क्लास में, एक दो दिन चलो ठीक है, दो तीन दिन में लोग समझ जाएंगे, चलो क्लास चल रहा है, छोड़ो बच्चे को। तो आपको अपने क्लास पे ध्यान देना है, ओके? हम लोग क्या यहाँ पे समझ रहे हैं, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। बट मनुष्य के अलावा अन्य जीव, चाहे वो एनिमल हो या कोई भी जीव हो, प्लांट्स को छोड़ के वो नहीं बना सकते अपना भोजन स्वयं। तो हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, आप लोग कह रहे होंगे आप तो किचन में बनाते हैं, क्यों अनुप्रिया?
अपना भोजन स्वयं बनाती हो कि मम्मी बनाती हैं? स्वयं बना सकती है, लेकिन मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ मनुष्य बना ही नहीं सकता अपना भोजन। मनुष्य में तो मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, हम आप भी आ गए, यानी कोई भी नहीं मनुष्य भोजन बना सकता। मम्मी आ रहा है कैसे? देखिए भी आगे पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, जब यहां पे लिखा ना, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव अपना भोजन नहीं कर सकते, भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं जैसे प्लांट्स की तरह। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये कहां से भोजन प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं, या ऐसे एनिमल से प्राप्त करते हैं जो प्लांट्स को खाते हों। ठीक है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मनुष्य और अन्य जीव कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं, या तो ऐसे जीवों से प्राप्त करते हैं जो प्लांट्स को खाते हों। अब चाहे आप एग्जांपल लें व्हीट का, राइस का, सुगर राइस या सुगर केन हुआ, वट एवर द फूड्स आर देयर इन आवर किचन रूम, जितना भी अनाज हमारे किचन में होगा वो तो कहीं ना कहीं प्लांट से ही तो आया होगा, प्लांट से ही तो आया है ना बेटा? यस सर। तो अगर प्लांट्स नहीं होता तो हमें भोजन कहां से मिलता है, कि नहीं? आप लोग कहेंगे कि पनीर है, दूध है, प्लांट्स ना रहे मैं गाय से दूध निकाल लूंगा, दूध पी के रह जाऊंगा, पनीर खा लूंगा, खोया खा लूंगा, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन किससे? गाय, भैंस, ये सब भी तो प्लांट से तो खाते हैं। और इन जीवों को, इन एनिमल्स को अगर प्लांट्स नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं सर। जब वो जिंदा नहीं रहेंगे तो हमें दूध पनीर वगैरह भी, हमें वो भी नहीं मिलेगा। तो प्लांट्स भी हमारे पास नहीं है, और ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं वो भी नहीं रहेंगे, तो हमें भोजन कहां से मिलेगा? क्या हम बना लेंगे सूर्य की रोशनी में आकर के, ऐसे हवा में मिल जाएगा, एटमोसफेयर में? ऐसा तो नहीं प्लांट्स। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिलहाल यहाँ पे समझ में आ रहा है जो समझाने का प्रक्रिया है, चीजें हैं। अब यहाँ मिलेगा दस, दस में से इस प्रकार yes, बेटा योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, व्हाट यू कैन डू, एक बार यू कैन ट्राई वंस मोर। यस शानुका, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? आपका हुआ कि नहीं, कितना प्रसन्न हुआ? नहीं, क्या पूछना चाह रही हो शानुका? चलो शानुका, फिर लाइन भी नहीं है, चली गई, कोई बात नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बस इस प्रकार ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जो ह्यूमन बीइंग है या अन्य जीव है, मनुष्य या अन्य जीव, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। ठीक है, आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गया बेटा? यस सर। अतुल, आपको भी समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से आपका बुक पढ़ाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अब ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे बुक पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बुक को बंद कर रहा हूँ। यस सर। अब दूसरे बुक की आता, आपकी बुक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कैसे वर्ड मीनिंग लिखा जाएगा, पता चल गया आपको? कैसे पैराग्राफ समझाया जाएगा, कैसे आपकी बुक पढ़ाई जाएगी, ये समझ में आ गया? यस सर। कैसे क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करेंगे, हर दिन जो पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, फिर उसको देख देख करके आपको कॉपी में लिखना रहेगा, और उसका फोटो गूगल क्लासरूम में भेजना रहेगा चेक करने के लिए। ओके यस सर। हर दिन आप लोग भेजते हैं तो कोई ना कोई कमेंट्स मिलता है, जाता है? क्यों अनुप्रिया, कल मिला था कोई कमेंट?
11-12 बजे मैंने चेक किया था, आप लोग का लेट से सबमिट हुआ था, तो फिलहाल करीब 12 बजे के आसपास आपको जो भी बचे थे जिनको नहीं मिला होगा कमेंट्स उनको मिल गया होगा, लेकिन सभी की कॉपियां चेक होती हैं डेली। आज भी आपको वर्क मिला होगा, आप लोगों ने किया या नहीं? क्यों नहीं किया? किया सबमिट किया, अटैच किया? हिंदी का नहीं किया। हिंदी का आपको वर्क मिला होगा बेटा, देखिए उसमें कुछ करने के लिए बोला गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्क ना हो। ठीक है, जो भी वर्क होगा आपका वर्बल होगा, हो सकता है आप देखिएगा उसकी, भेजिएगा स्क्रीनशॉट। आप लोग भेजते हैं या सीधा फोटो भेजते हैं? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इजीली आ जाता है। ठीक है कुणाल, आपको चीजें समझ में आ रहा है बेटा? आपका वर्क भी, आपका वर्क नहीं दिखता गूगल क्लासरूम पे, और अतुल आपका भी नहीं दिखता। डालता हूँ। डालते हैं तो आप चेक तो करिए अटैच हुआ या नहीं। स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं या डायरेक्टली फोटो अटैच कर देते हैं? सर हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, नाम लिखते, नाम लिख करके अटैच करते हैं ना। शानविका क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो शानविका? चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरीके से क्लासेस आपकी होगी, कल फिर आप आइएगा 3 बजे। ठीक है 3 बजे कल मैं आप लोग की बुक कराऊंगा। हाँ एक एक टाइम फिक्स रहेगा 3 बजे। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं 3 बजे? तीन बजे फिक्स रहेगा समय। ठीक है 3 को 2:30 कर देंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी 3 बजे। ठीक है यस सर। और आप अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि सभी लोग क्लास में ज्वाइन करें। ओके यस सर। अच्छा एक और प्रॉब्लम, कभी जैसे शानिका को नेटवर्क इशू है, किसी का फोन डिस्चार्ज हो सकता है, लाइट खराब हो गई, फोन नहीं चार्ज है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसे प्रॉब्लम तो कभी किसी के साथ भी आ सकता है ना। ऐसे कंडीशन में जो जितना भी हम लोग ये बातचीत किए हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, सबकी रिकॉर्डिंग मैं आपके गूगल क्लासरूम में लिंक डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा, आपको वो देखना रहेगा। ठीक है और वो पूरी रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे, फिर ऐसे में आप ये जान जाएंगे कि आज क्या पढ़ाया गया आज के क्लास में, सर या मैम ने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या बोला, क्या क्या समझाया, कैसे समझाया, किसने क्या पूछा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आपकी क्लास छूट जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी आज में जो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई है, ठीक है 30 मिनट की वीडियो में, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अभी आधा घंटा बाद मैं अपडेट कर दूंगा। ओके सभी लोग पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देखना, इससे आपको पता चल जाए कि अगर कोई क्लास छूटेगा तो परेशान नहीं होना है, हमें इसी तरह से रिकॉर्डिंग दिख जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे। दूसरी चीज है, जब यूट्यूब पे खोलिएगा तो सब्सक्राइब बटन है, जो सब्सक्राइब लिखा रहेगा तो उस पर जरूर क्लिक कर देना, ऐसे में जो भी वीडियो फ्यूचर में मैं अपलोड करूंगा वो आपको, आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाया करेगा। अब हर दिन तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि ऐसे वीडियो करना, बुलाना करना, आप अपलोड करना, आपने सब्सक्राइब किया है नहीं? हाँ आपके कमेंट्स भी आते हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं, आपने सब्सक्राइब किया है मुझे पता है। बेटा अनुप्रिया, अतुल, कुणाल, आप तीनों को बोला जा रहा है। ठीक है अब आज के सेशन को यहाँ पे एंड करें। यस सर। आप जैसे काजल से, काजल तो 6 में गई है, अनिष्का हो गई, और कौन है क्लास 4 में? क्लास 4 में और कौन है? दिव्या। दिव्या हो गई, दिव्या से बात कर लीजिएगा, अनिष्का से बात कर लीजिएगा, और क्लास 4 में कौन है? दिव्या, जायसवाल, दीपिका, नहीं दीपिका तो 6 में, दिव्या हो गई, और किसी का नाम ही नहीं आ रहा है। 27 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से कोई नाम ही नहीं आ रहा है, याद आ रहा है। अनिल तो फिलहाल यहीं पे हैं। तनिष्का ने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे? यस सर। तो ठीक है आप लोग उसमें बताइएगा, सर ने आज ऐसे पढ़ाया, ऐसी चीजें हुआ, इसी तरीके से कल फिर 3 बजे पढ़ाया जाएगा तो सब लोग आए। ठीक है तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों।
अभी कल भी इसी तरीके से होगा, संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे को फिर से हम इसी तरह रिहर्सल करेंगे, ट्यूजडे को बेटा फिर छुट्टी रहेगी, मुझे कुछ काम है तो फिलहाल पूरा परिवार नहीं रहेगा, तो फिलहाल डार्कनेस की पूरी तरह लॉक करके मुझे कहीं जाना, तो मंडे नहीं, इसीलिए वेडनेसडे से क्लासेस, वेडनेसडे नहीं थर्सडे से आपकी क्लासेस शुरू होगी, तो कल आप लोग 3 बजे रेडी रहिएगा, ओके? यस सर, ठीक है, बाय, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है?